मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट 12 फॉर क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल्ड फॉर 31 जुलाई 2020। एंड इन दिस वर्कशीट वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। एंड दिस वर्कशीट इज ऑल्सो बिलोंग टू योर चैप्टर सेकेंड, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। It is the measure of the ability of the acids and bases to produce H plus or hydroxyl ion respectively। Students, ये चीज़ें हम already first जो worksheet हमने की है, previous worksheet, उसमें हम discuss कर चुके हैं। The acids which are 100% ionized in solution and give rise to more H plus ion are said to be strong acids, and the acids which give less H plus ions are said to be the weak acid। जो H प्लस आयंस ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ जिनकी ज़्यादा होगी उनके अंदर H प्लस आयन कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एसिड का एग्जाम्पल लेते हो लाइक HCl, H2SO4 एंड तो वो कैसे एसिड होंगे, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनके अंदर H प्लस आयन कंसनट्रेशन कम होगी दैट विल बी द वीक एसिड्स लाइक कार्बनिक एसिड और एसिटिक एसिड। HCl एंड एसिटिक एसिड ऑफ द सेम कंसनट्रेशन बोथ प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ H प्लस आयन। एसिटिक एसिड में आयन्स कम होंगे एज कम्पेयर टू द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसोशिएट कम्प्लीटली सो प्रोड्यूस मोर एच प्लस आयन, वाइल एसिटिक एसिड डिसोशिएट पार्शली दस प्रोड्यूसिंग लेस एच प्लस आयन। एंड सिमिलर कंडीशन इज विद द बेस। बेस विच आर 100% आयनाइज इन सोल्यूशन एंड गिव राइज टू मोर हाइड्रोक्सिल आयन आर सेट टू बी स्ट्रॉन्ग बेसिस, एंड द बेसिस विच गिव लेस हाइड्रोक्सिल आयन्स आर सेट टू बी द वीक बेसिस, एंड दीज आर वेरी फ्यू स्ट्रॉन्ग बेसिस। नाउ देर आर टाइप ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, और यू कैन से स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। वी कैन डिवाइडेड द सॉल्ट्स इंटू थ्री कैटेगरीज। तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। एंड फर्स्ट कैटेगरी इज न्यूट्रल सॉल्ट, सेकेंड इज बेसिक सॉल्ट, एंड थर्ड वन इज एसिडिक सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। अब जो ये नेचर है स्टूडेंट्स, ये कैसे पता चलेगा हमें कि कोई सॉल्ट वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है? सो इसके लिए हम जो है एक एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। फर्स्ट हम ले रहे हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपको पता है सॉल्ट कब बनता है, बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद द बेस। एंड हेयर एसिड, व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, सो टेक सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड आपको लेना है। एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस में आप एग्जाम्पल ले सकते हो लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो बहुत ही कम है, दे आर वेरी फ्यू स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड बनेगा एंड वाटर विल बी रिलीज हेयर। जो ये NaCl बना है स्टूडेंट्स, ये जो NaCl है इसकी जो नेचर होगी दैट विल बी द न्यूट्रल। और न्यूट्रल नेचर क्यों होगी, क्योंकि HCl ये भी स्ट्रॉन्ग है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होने के कारण ये भी स्ट्रॉन्ग, तो क्या हुआ जो बना वो क्या है, न्यूट्रल है। अब यहाँ से एक सिंपल एग्जांपल आप लेके समझ सकते हो लाइक HCl है, इसने H प्लस जो आयन्स रिलीज किए हैं वो भी 10 हैं, और हाइड्रोक्सिल आयन ने भी जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज किए हैं वो भी 10 हैं। सो 10 एच प्लस आयन और 10 हाइड्रोक्सिल आयन ये आपस में एक दूसरे का जो इफेक्ट है उसको कैंसिल आउट करके क्या बना देंगे, वाटर। और जो यहाँ पर सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल। नेक्स्ट एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लेना है। सो यहाँ पर हम ले सकते हैं, हमारे पास एसिड है वीक एसिड H2CO3, कार्बनिक एसिड, और बेस हमारे पास यहाँ है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हम ले रहे हैं जो कि स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा आपका Na2CO3, ओके Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बनेगा। आप साथ में वाटर तो है ही, तो सोडियम कार्बोनेट का नेचर यहाँ पर कैसा होगा आप बता सकते हो, ये वीक है ये स्ट्रॉन्ग है। सो नेचर कैसा होगा, नेचर यहाँ पर बेसिक होगा क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही नेचर सॉल्ट का होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे सॉल्ट प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ओके। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है यहाँ पर, HCl, और वीक बेस हम यहाँ पर ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एग्जांपल है,
और यहाँ पर फॉर्म क्या होगा, देयर विल द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर, एंड यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग क्या है एसिड और वीक क्या है बेस। सो नेचर कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा। कैल्शियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है, कैल्शियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन टेक सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अगेन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल। एग्जांपल बेस अमोनिया एंड एसिड कार्बनिक एसिड एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कार्बोनेट एंड अमोनियम कार्बोनेट इज न्यूट्रल इन नेचर। नाउ लेट्स मूव टू द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच। जो पीएच ये हमारी जो डेली लाइफ है उसमें इसके बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं। एंड सो फर्स्ट एग्जांपल इज इफ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज एसिड रेन एंड सच रेन व्हेन गोज टू रिवर हार्म एक्वेटिक लाइफ। सो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं बच्चों वो एक पर्टिकुलर पीएच के अंदर ही वो रह पाते हैं। अगर जो एसिड रेन है वो उसकी पीएच क्या होती है, उसकी पीएच कम होती है और वो पानी कहाँ जाएगा, वो पानी रिवर्स में जाएगा, सीज में जाएगा। उससे क्या होगा दैट जो जो फिशेस हैं वो ब्रीड नहीं कर पाती, उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता एंड साइमल्टेनियसली ब्रीदिंग प्रॉब्लम इज देयर एंड सो द फिश दे गेट डाई एंड दे कैनोट हैच एग्स। ओके सो एंड मोर ओवर एडल्ट फिश दे विल डाई। सो दीज आर द यू कैन से नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन टू द एक्वेटिक लाइफ। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके एंड टाइम बिटवीन डाइजेशन एक्सेस ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड। जब भी बॉडी में स्टमक में इंडाइजेशन होता है एक्सेस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो सिक्रीट होता है, जिसके कारण क्या होता है पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक के अंदर। और उस एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम क्या लेंगे, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम एंटासिड्स लेंगे। एंटासिड्स क्या करेंगे, जो स्टमक के अंदर एसिडिटी है HCl है उसको वो न्यूट्रल कर देगा। उसके लिए हम क्या लेते हैं, उसके लिए एंटासिड के एग्जाम्पल आप ले सकते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सोडियम बाइकार्बोनेट एंड दीज हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सेस एसिड। नेक्स्ट इज व्हेन पीएच बिकम लोअर देन 5.5 इन अवर माउथ टूथ डिके स्टार्ट। ओके हमारे जो टीथ हैं वो भी एक पर्टिकुलर पीएच पे ही ठीक रहते हैं। अगर पीएच बहुत ज़्यादा कम होती है तो क्या होता है कि जो हमारे जो इनेमल है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है वो ख़राब होने लगता है। ओके जो एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड कहाँ से आएगा, हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होती है, उसमें शुगर होती है एंड द बैक्टीरिया दैट डिकम्पोज दैट शुगर और उससे क्या है इट दे रिलीज द एसिड एंड दैट एसिड हार्म आवर टीथ। दैट एसिड डिग्रेड द इनेमल विच इज मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। व्हाट इज द सॉल्यूशन हेयर, टूथपेस्ट इज द सॉल्यूशन हेयर। और टूथपेस्ट में क्या होता है, टूथपेस्ट में जो है बेस होता है एंड टूथपेस्ट इज अल्कलाइन इन नेचर। और जब हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो जो हमारे टीथ के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है उसको जो है टूथपेस्ट क्या करती है, न्यूट्रल कर देती है और उससे हमारे जो टीथ हैं उनको हम ख़राब होने से बचा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बी स्टिंग लीव्स एन एसिड। तो आपको पता है बी जो है वो जो अगर वो बॉडी को काट लेती हैं तो क्या होता है, वी फील पेन एंड दैट पेन इज ड्यू टू द फॉर्मिक एसिड। ओके फॉर्मिक एसिड और यू कैन से मिथेनॉइक एसिड। और उसको भी हम ठीक करने के लिए क्या इंजेक्ट करेंगे, उसको हम बेकिंग सोडे से अगर रब करते हैं तो हमें जो है जलन का अनुभव कम होता है। वो क्यों, क्योंकि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर अल्कलाइन है और हमारी बॉडी में सिक्रीट क्या हुआ है, हमारी बॉडी में एसिड सिक्रीट हुआ है जिसके कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके नेक्स्ट इज स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फॉर्मिक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। सो ये जो नेटल है, नेटल इज अ टाइप ऑफ प्लांट। ओके इसके जो हेयर्स होते हैं अगर वो बॉडी को टच करते हैं सो दे ऑल्सो रिलीज द फॉर्मिक एसिड। और इसको ठीक करने के लिए नेटल प्लांट्स के पास ही एक डॉग का प्लांट मिलता है, ठीक है डॉग प्लांट। एंड ये जो प्लांट है ये जो है बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर है, इसको रब करने से जो इफेक्ट है नेटल लीफ का वो कम हो जाता है। सो ये भी एक तरह से
इसके लिए नेटल लीफ के लिए एंट एसिड का काम करता है डॉक्स प्लांट। नाउ नेक्स्ट इज पीएच ऑफ सॉइल, एंड सॉइल में पीएच इफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। यू नो स्टूडेंट्स, द प्लांट्स दे कैन ग्रो इन अ पर्टिकुलर पीएच, पीएच शुड बी मेंटेन्ड एंड सो द प्लांट्स दे कैन ग्रो बेटर इन अ पर्टिकुलर इन अ यू कैन से इन अ रेंज ऑफ पीएच। एंड सो इफ़ द सॉइल इज एसिडिक देन वी शुड मेक इट अल्कलाइन। इसीलिए जो सॉइल है उसको पहले टेस्ट करा के तभी जो क्रॉप्स है वो लगानी चाहिए। एंड इफ़ द सॉइल इज एसिडिक वी शुड मेक इट अल्कलाइन बाय एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, बिकॉज दीज सब्सटेंसेज आर यू कैन से दीज केमिकल्स आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दे न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द सॉइल। And now next is our body works within the pH range of 7 to 7.8। So हमारी body जो work करती है वो कितनी pH में करती है, वो pH में करती है 7 से 7.8 pH पर। Now let's move to the questions। और अगर आपको worksheet clear हो गई है तो आप easily questions के answer कर सकते हो students। और आपको question के answer जो है वो frame करने आने चाहिए। देखिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको उनके आंसर फ्रेम करने आने चाहिए, ठीक है। सो यू कैन इजीली गिव द आंसर्स, आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल आपको बताना है। सो फर्स्ट क्या है आपका KCl। अब देखिए आप यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं KCl, KCl कैसे बनेगा बच्चों, KCl फॉर्म होगा सॉल्ट HCl और KOH से। अब इसके अंदर देखिए HCl कैसा है, स्ट्रांग है, KOH कैसा बेस है, ये भी स्ट्रांग है, ये कैसा होगा, ये न्यूट्रल होगा, सिंपल स्ट्रांग बेस स्ट्रांग एसिड न्यूट्रल सॉल्ट। नेक्स्ट NaNO3, चलिए देखिए NaNO3 बेस क्या होगा, बेस होगा NaOH, ओके, और इसमें एसिड क्या होगा, एसिड होगा नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, ये भी स्ट्रांग, ये भी स्ट्रांग, ये न्यूट्रल, ओके। थर्ड का नेचर देख लेते हैं, सी क्या है, अमोनियम सल्फेट NH4 2SO4, तो ये किससे बना है, ये आपका बना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH प्लस H2SO4, ये कैसा है, स्ट्रांग है, ये कैसा है, वीक है, तो इसकी इसका नेचर कैसा होगा, स्ट्रांग वाला इसका नेचर होगा। सो नेचर कैसा होगा, नेचर विल बी द एसिडिक। सो एसिडिक यहाँ से सॉल्ट होगा। एंड आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, मैग्नीशियम क्लोराइड इज मेड फ्रॉम, सो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या इसके अंदर एसिड है, क्या इसके अंदर बेस है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड किससे बनेगा, HCl एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक होता है और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर स्ट्रॉन्ग वाला यानी मैग्नीशियम क्लोराइड विल बी एसिडिक इन नेचर, ओके। नेक्स्ट, Why it is it advised to brush your teeth after every meal? So आपको advise किया जाता है because in the teeth there will be the formation of acid with the help of bacteria and that acid it can decay our teeth, it can decay our enamel and so what is the solution here? We should brush our teeth with the toothpaste because toothpaste is alkaline in nature and it neutralizes the acid which is formed in our teeth by the bacteria. Next question, name the acids produced in stomach, that is the hydrochloric acid, it is produced in our stomach. Next, how does aquatic life get affected due to acid rain? अभी हम डिस्कस कर चुके हैं एसिड रेन, एसिड रेन कॉज अ ग्रेट हार्म टू एक्वेटिक एनिमल्स एट वेरी लो पीएच, नियरली यू कैन से अबाउट 5, मोस्ट ऑफ द फिश दे कैन नॉट हैच एंड सम एडल्ट फिश दे गेट डाई एंड सम एसिडिक लेक्स, ओके, दे हैव नो फिश एंड देर इज ऑल्सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम इन एसिडिक वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एन एंट एसिड वर्क, नेम टू कॉमन एंटासिड, हाउ डज दे वर्क, दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड, ओके, एंड इफ देयर द एसिडिटी गेट इंक्रीज इन अवर स्टमक देन वी यूज एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द एसिड। नेम टू कॉमन एंटासिड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन टेक बेकिंग सोडा,
आर द टू कॉमन एंड एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए प्लांट ग्रोज बेस्ट व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज 7.2 बट द पीएच ऑफ द सॉइल इज फाउंड टू बी 5.6. ओके, यानी सॉइल कैसी हो गई है, द सॉइल इज एसिडिक इन नेचर. नेम द केमिकल एंड इट्स नेचर ऑल्सो दैट शुड बी एडेड टू द सॉइल टू एडजस्ट इट्स पीएच टू मेक इट सूटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ. सो क्या डालोगे आप उसको न्यूट्रल करने के लिए, सॉइल कैसी है, सॉइल इज एसिडिक, एसिडिक सॉइल है तो उसको आपको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है. न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें डालेंगे एसिडिक सॉइल में कोई भी अल्कलाइन, ओके, विच इज बेसिक इन नेचर. एंड व्हाट आर दीज, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, दीज आर द केमिकल्स वी विल मिक्स इन टू द सॉइल टू मेक इट न्यूट्रल. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है. वीडियो अगर अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. सो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.